बाल विद्या भवन स्कूल, ताज नगरी, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा का ऐसा विद्यालय जो आपके बच्चों को देता है संपूर्ण विकास, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मस्तिष्क के साथ साथ स्वास्थ्य हेतु खेलों की समुचित व्यवस्था, हाईटेक एजुकेशन, कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में शिक्षा, प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं, हाई एजुकेटेड मैनेजमेंट, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, प्रवेश प्रारंभ, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल, गंगा विहार कॉलोनी, धांधुपुरा रोड, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9411-08-421-4 और 9953-73-77-99। नगर निगम आगरा के सदन में पुनरीक्षित बजट पर चर्चा हुई। ये नगर निगम सदन 3 बजे प्रारंभ हुआ और 6 बजे अभी समाप्त हो रहा है। 3 घंटे लगातार हमारे माननीय पार्षदों के द्वारा पुनरीक्षित बजट के जितने भी मत थे, हेड थे, उन सभी हेडों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और जो पुनरीक्षित बजट कार्यकारिणी समिति से पारित होकर नगर निगम सदन में अधिवेशन में रखा गया, उसे जो कि तो पारित कर दिया गया। प्रशंसा की बात है कि आमतौर पर सभी माननीय पार्षदों ने बजट में अपने आय बढ़ाने के साधनों पर विस्तार से सुझाव दिए। कई ऐसे मकान हैं जहाँ से हमारा टैक्स नहीं आ रहा है और लोग टैक्स देना चाहते हैं। ऐसे अनेकों मोहल्लों के नाम इंगित किए हैं, अनेकों वार्डों के नाम आए हमारे नगर निगम प्रशासन के द्वारा। माननीय पार्षदों के वार्डों के नाम, उनके नाम नोट कर लिए गए हैं। हम बहुत जल्दी नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए जिन मकानों के अभी तक हमें टैक्स प्राप्त हुआ ही नहीं है, उनके टैक्स प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दी हम शिविर लगाएंगे। वहीं पर जाकर लोगों का असेसमेंट करेंगे, जो गृहकर देना चाहते हैं उनका गृहकर जमा कराएंगे। 4 लाख मेरे शहर में मकान है, अभी आपको बता रहा हूँ मैं कि 44,000 लोगों का केवल टैक्स अभी जमा हुआ है, बाकी लोगों का टैक्स जमा नहीं है। मैं शहरवासियों से अनुरोध करूंगा, नाली खरंजा, सड़क सफाई, स्ट्रीट लाइट हम नगर निगम के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हैं। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि यह व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रहे। इसके लिए जो टैक्स आपके ऊपर नगर निगम का बनता है उसे जमा करा दें। आपको जमा कराने में कहीं असुविधा आए तो मेरे माननीय जो क्षेत्र के पार्षद हैं उनको अवगत कराएं, मेरे नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराएं। फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे भी आप लोग अवगत करा सकते हैं। टैक्स जमा करने में और टैक्स जमा करने का हम एक सरलीकरण बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है उसके सरलीकरण करने से घर बैठे लोग अपना टैक्स भी जमा कर पाएंगे। मैंने माननीय सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद भी किया है। सदन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से कहा है जो कर्मचारी हैं टैक्स वसूली में हीलावाली कर रहे हैं, कहीं कहीं ज्यादा टैक्स बता करके पैसा भी वसूलते हैं, इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई की जाए? नहीं, अभी माननीय नगर निगम के अपने सदन में विषय आया था, लेकिन नगर आयुक्त जी ने स्पष्ट कर दिया है कहीं पर भी इस प्रकार की अगर शिकायत किसी भी अधिकारी की आएगी तो वो क्षमा योग्य नहीं है। और उन्होंने आमंत्रण किया है कि अगर किसी को ऐसी शिकायतें प्राप्त होती है किसी टैक्स सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा तो वो नगर निगम में हमारे अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता जी को और नगर आयुक्त जी को दोनों को बताएं और इस प्रकार की कोई भी अन्यता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो फालतू सवाल है वो स्टेटस नंबर बना हुआ है, अभी एक सदस्य ने बताया कि लगभग आगरा में 10,000 फालतू सवाल है और वो नगर निगम के सीमा के अंतर्गत गंदगी करते हैं, उन पर कर लगाने की बात का सुझाव आया है, इस संबंध में क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? आगरा शहर का काफी विस्तार हो गया है, बहुत पुराना शहर है, कुत्ता पालने का भी एक चलन हो गया है, फैशन हो गया है। तो अभी निर्णय हुआ है कि जिन परिवारों में कुत्ते पाले आ रहे हैं वहाँ से अभी टैक्स हमारे पास नहीं आ रहा है, ये उनसे टैक्स वसूली का अभियान बहुत शीघ्र हम जारी करने जाएंगे और जो लोग कुत्ते उनके गंदगी करते हैं उसका ये टैक्स है, जिससे वो पैसा टैक्स के रूप में आएगा तो उसी क्षेत्र में हम उस पैसे को खर्च भी करेंगे।